हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, और अगर आप लोग एडवांस डिपॉजिट करते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है और कितना रिबेट मिलता है एडवांस डिपॉजिट में इन रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को सब डिटेल पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी कुछ डिटेल बताऊंगा रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, और मैं एक डिटेल वीडियो डाल चुका हूं पहले से, आप लोग वहां से डिटेल देख सकते हो। मैं यहां पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, आरडी के बारे में। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, अकाउंट कैन बी ओपन बाय सिंगल एडल्ट जॉइंट अकाउंट गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, ठीक है। और ये रहा क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और मिनिमम डिपॉजिट जो है 100 रुपीज, और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है, और प्रीमैच्योर क्लोजर अलाउड है आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द आरडी अकाउंट, ठीक है। ऑन डिपॉजिटिंग एडवांस देयर इज सम रिबेट ऑन द डिपॉजिट। तो आप लोग को मैं पहले से बता दिया हूँ, मैं ये वीडियो में रिबेट के बारे में बात करूंगा और कितना आप लोग को रिबेट मिलेगा अगर आप लोग जमा करते हो पैसा हर महीने, ठीक है। आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया हूँ, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा जहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हो वो वीडियो के बारे में, और जान पाओगे पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में फुल डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आरडी का कुछ डिटेल, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हो 12 महीना के लिए डायरेक्टली पैसा को, ठीक है, लाइक आप लोग 1000 रुपये दे रहे हो एक महीना में, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग 12 महीना का पैसा अगर डायरेक्टली दे देते हो दैट इज 12,000 रुपीज़, ठीक है, देन यहाँ पे आप लोग को रिबेट मिल जाता है। उसी तरह 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जितना आप लोग देना चाहते हो दे सकते हो, उसमें आप लोग को रिबेट मिल जाता है। मैं इस वीडियो में 10,000 तक बताया हूँ, और अगर आप लोग कोई डिफरेंट अमाउंट जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो मेरे को, और मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो, रिबेट इफ डिपॉजिटर फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। अगर आप लोग 12 मंथ का पैसा एक ही बार में दे देते हो तो यहाँ पे कितना रिबेट मिल रहा है मैं आप लोग को एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो डिपॉजिट पर मंथ, एडवांस डिपॉजिट, रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट, फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग 1000 रुपये दे रहे हो तो एडवांस डिपॉजिट जो है 12,000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स, और रिबेट जो है 400 रुपये मिल जाता है, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 11,600 रुपये आप लोग को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। 2000 अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो, एडवांस डिपॉजिट जो है 24,000, और रिबेट यहाँ पे मिल जाता है 800 रुपये, और फाइनल डिपॉजिट जो है 23,200 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। 3,000 रुपीज़ अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो, देन यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट जो है 36,000, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 1200 रुपये, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 34,800 रुपीज़, ठीक है। और 4,000 रुपीज़ अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो हर महीना, देन यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट जो है 48,000, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 1600 रुपये, और इसमें फाइनल डिपॉजिट जो है 46,400 रुपीज़। अगर आप लोग 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो हर महीना, देन एडवांस डिपॉजिट जो है 60,000, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है 2,000 रुपीज़, और फाइनल डिपॉजिट जो है 58,000 आप लोग को करना है। अगर आप लोग 6,000 रुपये डिपॉजिट करते हो हर महीना, देन यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट जो है 72,000 आप लोग को देना पड़ेगा, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 2,400, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 69,600 रुपीज़ आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग 7,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो हर महीना, देन 84,000 आप लोग को एडवांस डिपॉजिट देना पड़ेगा, रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 2,800 रुपये रिबेट मिल जाएगा, और फाइनल डिपॉजिट जो है आप लोग को करना है 81,200 रुपीज़। और अगर आप लोग 8,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो तो एडवांस डिपॉजिट है वो है 96,000, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 3,200, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 92,800 रुपीज़। और अगर आप लोग 9,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हो, और यहाँ पे जो एडवांस डिपॉजिट जो है 1,08,000, ठीक है, इसमें जो रिबेट मिल जाता है वो है 3,600, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 1,44,000, ठीक है। और अगर आप लोग 10,000 का डिपॉजिट कर रहे हो पर मंथ, तो यहाँ पे जो है एडवांस डिपॉजिट जो है 1,20,000, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 4,000, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 1,16,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये था 12 मंथ का अगर आप लोग जमा करते हो एक ही बार, तो ये पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हो एक बार पॉज करके, ठीक है। और मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो 6 महीना का, ठीक है, तो उसमें कितना आप लोग को मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिबेट इफ डिपोजिटेड फॉर 6 मंथ्स। अगर आप लोग 6 महीने के लिए डिपोजिट करते हो तो यहाँ पे कितना आप लोग को रिबेट मिल जाएगा, मैं यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिपोजिट पर मंथ, एडवांस डिपोजिट, रिबेट ऑन एडवांस डिपोजिट, फाइनल डिपोजिट आफ्टर रिबेट, ठीक है। तो अगर आप लोग 1000 रुपये डिपोजिट कर रहे हो तो एडवांस डिपोजिट जो है 6 महीना का 6000 रुपीज़, और रिबेट ऑन एडवांस डिपोजिट जो है 100 रुपये, और फाइनल डिपोजिट जो है 5900, और 2000 अगर आप लोग डिपोजिट कर रहे हो पर मंथ तो एडवांस डिपोजिट जो है 12000 रुपीज़, और रिबेट ऑन एडवांस डिपोजिट जो है वो है 200 रुपये, यहाँ पर जो फाइनल डिपोजिट करना है 11800 रुपये। और अगर आप लोग 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो देन यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट जो है 18000 रुपये, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 300 रुपीज़, और फाइनल डिपॉजिट जो है आफ्टर रिबेट 17700 रुपये। और अगर आप लोग 4000 डिपॉजिट कर रहे हो पर मंथ, एडवांस डिपॉजिट जो है 24000 6 महीने के लिए, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 400 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है रिबेट, और फाइनल डिपॉजिट जो है 23600 रुपीज़ आप लोग को जमा करना पड़ेगा। 5000 अगर आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो तो 30000 रुपीज़ आप लोग को एडवांस डिपॉजिट बन जाता है फॉर 6 मंथ्स, और 500 रुपीज़ आप लोग को रिबेट मिल जाएगा, और फाइनल डिपॉजिट जो है 29500 रुपीज़। और अगर आप लोग 6000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो 36000 रुपीज़ आप लोग को एडवांस डिपॉजिट करना है, और 600 रुपीज़ यहाँ पर रिबेट मिल जाता है, और फाइनल डिपॉजिट जो है आफ्टर रिबेट 35400 रुपीज़ आप लोग को जमा करना पड़ेगा। अगर आप लोग 7000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो 42000 जो है 6 मंथ्स के लिए आप लोग को जमा करना पड़ता है, और रिबेट जो मिलता है 700 रुपीज़, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 41300 रुपीज़। और अगर आप लोग 8000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो पर मंथ तो एडवांस डिपॉजिट जो है 48000 रुपीज़, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 800 रुपये, और फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो है 47200 रुपीज़ आप लोग को जमा करना है। 9000 रुपीज़ अगर आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो पर मंथ तो एडवांस डिपॉजिट जो है 54000, और रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट जो है 900, और इसमें जो फाइनल डिपॉजिट आफ्टर रिबेट जो मिलता है वो है 53100 रुपीज़। और अगर आप लोग 10000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीना 6 महीने के लिए अगर आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे जो है 60000 आप लोग को डिपॉजिट करना है, और रिबेट यहाँ पे मिल जाता है 1000 का, और इसमें जो फाइनल डिपॉजिट जो है 59000 आप लोग को जमा करना है। तो ये था रिबेट फॉर 6 मंथ। अगर आप लोग 6 महीना का डिपॉजिट एक ही बार में कर देते हो पोस्ट ऑफिस में तो आप लोग को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आज के सिनेरियो में आप लोग डेफिनेटली एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हो, और पोस्ट ऑफिस जो है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है इन रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आप लोग डेफिनेटली जून एंड तक ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में, और जुलाई के 1st मंथ से देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट 90-95% चांसेस है पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट जो है वो घटा दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप लोग ये बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग ये स्कीम ओपन कर दीजिएगा सो दैट नेक्स्ट 5 ईयर तक आप लोग कंटिन्यू कर सके, और अगर आप लोग इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंटिन्यू करेगा, दैट इज 5.8%, ये कंटिन्यू करेगा पूरा 10 साल तक अगर आप लोग एक्सटेंड करोगे। अगर आप लोग बीच में पैसा निकालना चाहते हो आफ्टर 3 ईयर्स आप लोग इसमें पैसा निकाल सकते हो, और ये जो स्कीम है ये बेहतर स्कीम है, आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सको। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जुलाई में 100% इंटरेस्ट रेट जो है घटेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, और मेरा रिसर्च के अनुसार ये हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है उसमें इंटरेस्ट रेट घटा दे, आरडी स्कीम नहीं और भी स्कीम जितना सब पोस्ट ऑफिस में है उसका इंटरेस्ट रेट घटा दे इंडिया गवर्नमेंट। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रिसेंटली जो पिछले क्वार्टर में आप लोग देख सकते होंगे वो घटा दिया था, लेकिन बाद में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उसको विड्रॉ कर दिए थे, तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये था पूरा फुल डिटेल आरडी स्कीम के बारे में, और कितना आप लोग को रिबेट मिलेगा अगर आप लोग 1 टाइम इन्वेस्ट कर लेते हो पैसा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।